बिना परमिशन के प्रवासी मजदूर दो बसों में बैठकर अपने घरों में जा रहे थे। इस दौरान जिला प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और बसों को जांच पड़ताल के लिए रोका। इस दौरान डीसी सांबा एसएसपी अपनी टीम के साथ मौके पर राय मोड़ में पहुंचे और 124 प्रवासी लोगों को ठंडी खुई जांच सैनिटाइजर में जांच के लिए भेज दिया गया है और इस बस चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। इस मौके पर एसएसपी सांबा शक्ति पाठक, थाना प्रभारी अर्जुन सिंह आदि मौजूद थे। गाड़ियों में भर भर के पैसे ले गए तो इधर उधर उनको ले जाते हैं, तो मैं यहाँ से निकल रहा था, मेरी नज़र थी इस पर, तो ये दो गाड़ियाँ मैंने मजदूरों के साथ देखी रुपाई, तो ये पाया कि इन लोगों ने ये 84 जो मजदूर हैं, लेबर हैं, इनको कानपुर के लिए ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इनसे पैसे भी लिए हुए थे 1,24,000 रुपये और मैंने जब इनको चेक किया तो लोगों ने बयान दिया कि ये हमको कानपुर लेके जा रहा है और हम इनको पैसे दिए 2,600 रुपये एक आदमी। तो सर इसको आगे कहाँ लेके जाएंगे? कानपुर लेके जा रहा था और फिर मैंने मालिक को, ड्राइवर को, दोनों को पकड़ लिया, पूछताछ की।